सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोमैक्स की न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। माइक्रोमैक्स ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स भारत 5 प्रो लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत, इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और यह पावर बैंक का भी काम करेगा। माना जा रहा है कि कंपनी ने यह फ़ोन खासतौर से Xiaomi Redmi 5 को टक्कर देने के लिए उसी दिन लॉन्च किया है। दोनों ही फ़ोन सेम प्राइस में लॉन्च किए गए हैं। प्राइस के मामले में खासतौर से यह Redmi 5 के 20 मॉडल से मिलता है। भारत 5 प्रो की खासियत जो हमने आपको पहले ही बता दी, इसमें 5000 mAh की बैटरी और इसमें रिवर्स चार्जिंग फीचर दिया गया है। इससे यूज़र स्मार्टफोन को पावर बैंक की तरह यूज़ कर पाएंगे। बाकी फीचर्स की बात करें तो भारत 5 प्रो में फेस अनलॉक और फ्रंट कैमरे के साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स भारत 5 प्रो के इंडिया में प्राइस की। इस हैंडसेट की प्राइस 7999 रखी गई है और यह और उसी दिन लॉन्च हुई Redmi 5 की भी प्राइस 7999 रखी गई है। प्राइस के हिसाब से इसका कॉम्पिटिशन Redmi 5 की 2GB रैम वेरिएंट से और माइक्रोमैक्स भारत 5 प्रो के 3GB रैम से लेस हैंडसेट के बीच होगा। माइक्रोमैक्स भारत 5 प्रो के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही एंड्रॉयड 7.0 नूगट दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 5.2 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है और इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 1.3 GHz है। इसमें 3GB रैम दी गई है और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए एक्सपेंड किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 13 MP का रियर कैमरा दिया गया है, LED फ्लैश भी दिया गया है इसके साथ और 5 MP का फ्रंट कैमरा भी LED फ्लैश के साथ दिया गया है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 4G LTE का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही वाईफाई, USB OTG और अदर कनेक्टिविटी फीचर्स से लेस है और इसकी बैटरी 2 डेज तक का टॉक टाइम दे सकती है और 3 वीक्स तक का स्टैंड बाई टाइम देने की बात कह रही है माइक्रोमैक्स। तो सही स्मार्टफोन लॉन्च किया है माइक्रोमैक्स ने Redmi 5 को टक्कर देने के लिए, लेकिन फिर भी Redmi 5 के स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें इन्फिनिटी डिस्प्ले दी गई है, वो काफ़ी बेस्ट रहेगा इससे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।